देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में अब शुरू हो गई है। मेरे पीछे आपको गाड़ियों का जो काफिला है नजर आ रहा होगा और अब राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रथ पर सवार होकर असम की ओर बढ़ रहे हैं। ये बस है, इसमें आपको राहुल गांधी आगे की सीट पर भी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत असम में कर दी है और पूरी जो जनता है असम की उनके पीछे चलती आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। चारों तरफ लोग राहुल गांधी के नारे लगा रहे हैं क्योंकि ये न्याय यात्रा है और न्याय का हक दिलाने तक ये यात्रा ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। लोग लगातार यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, न्याय यात्रा में चल रहे हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी को सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी। सुना, न्याय यात्रा में कहाँ तक चलने वाली हैं आप? हम लोग गुवाहाटी तक जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोग उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में लोग न्याय यात्रा की ओर अब राहुल गांधी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा मैडम राहुल गांधी को? देखा, देखा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और राहुल गांधी को देखने में अच्छा तो अंदर से अच्छा लगता है ना। उम्मीद है तो बहुत ज्यादा है, 110% उम्मीद है। महिलाओं की स्थिति कैसी है असम में? बढ़िया है, ठीक है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जो बिगड़ा हुआ है उसे सुधारने की जरूरत है। हाँ, सुधारने की बहुत जरूरत है और सुधारेगी जरूर सुधारेगी। न्याय यात्रा है ये, बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, अन्याय कर रही है जनता के साथ। जी हाँ, बिल्कुल अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार। और राहुल जी एक विशाल हृदय का परिचय देकर के जन जन को जोड़ने का काम कर रहे हैं और मुझे निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कांप उठी है और राहुल जी जन नेता है और जनता से सीधे संवाद करते हैं। राहुल जी, गांधी को देखा आपने? हाँ, देखा है। देखा, कैसा लगा? ओ, अच्छा लगा है। कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? तो राहुल गांधी वो देश का बड़ा नेता है तो वो अच्छा लगेगा, तो फिर वो आने वाला है प्रधानमंत्री का। बीजेपी की सरकार है यहाँ पर इतने सालों से असम में, कैसा चल रहा है सब असम? अच्छा नहीं है, तो खराब लगा है सब। छुटकारा चाहिए बीजेपी से? तो छुटकारा चाहिए तो पहले आने वाला दिन में वो कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा आने वाले दिनों में, आपको उम्मीद है? तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जल्द यहाँ पर आएगी। और कुछ लोग हैं, कुछ कहना है आपको उनसे या न्याय यात्रा से कुछ उम्मीद आपको? बहुत उम्मीद है हमको। हाँ, अच्छा होगा बोलकर, असम में अच्छा होगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत आरोप है उन पर भ्रष्टाचार का, और पहले भ्रष्टाचारी थे, बाद में उन पर जांच भी रुक गई। हाँ जी, जांच रुक गई, रुक गई, तो भ्रष्टाचार भी कम होगा आपको लगता है? पक्का, 100%। इस यात्रा से न्याय मिलेगा? देखा आपने राहुल गांधी को? हाँ, हाँ, क्या मांगे, क्या उम्मीद है आपकी उसे, इस न्याय यात्रा से? अरुण से इस न्याय यात्रा से हम लोग को यही उम्मीद है कि हम लोग ये जो बीजेपी सरकार गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट से हम लोग जल्दी ही मुक्त होंगे। चलिए, तो लोगों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो उत्पीड़न का शिकार हो रही है जनता उन्हें छुटकारा मिलेगा और न्याय का हक मिलेगा। न्याय का हक मिलने तक।